डेट है आज 7 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सोलर जियो इंजीनियरिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर वन ज्योग्राफी के लिए मेंस में। सोलर जियो इंजीनियरिंग की ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज में है। इसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो सनलाइट आ रही होती है अर्थ पे, उसे वापस भेज देते हैं स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ ठंडी रहती है, कूल रहती है। इसी मेथड को बोलते हैं हम सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ये तो आपको पता ही होगा। मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे बादल बन रहे हैं टॉपोस्फेयर में। अब ये बादल जो बन रहे होते हैं, इनकी वजह से 27% जो सनलाइट है वो वापस स्पेस में चली जाती है। ये बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वरना ये सनलाइट भी अगर अर्थ पे आए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं 27% के लगभग। अब इस जियो इंजीनियरिंग जो मेथड है, सोलर जियो इंजीनियरिंग, इसमें मेनली दो मेथड यूज किए जाते हैं। पहला है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। आपको पता है कि अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसकी चार लेयर हैं। पहली है टॉपोस्फेयर है, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर जो अपर टॉपोस्फेयर है, और यहाँ पे लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। इस वाले एरिया में क्या करते हैं कि एरोसोल का इंजेक्शन डाल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थ से यहाँ से स्पेस क्राफ्ट जाएगा या कोई हवाई जहाज जाएगा, उसमें एरोसोल होंगे। एरोसोल ये समझ लो जैसे धूल के कण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। अब ये एरोसोल यहाँ पे मान लो डाल दिए, अब ये आसपास इनके बादल बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये एरोसोल बादल बन जाएंगे और एरोसोल खुद भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस। तो इसी मेथड को बोलते हैं स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये पार्टिकल जो होते हैं अर्थ को, एटमॉस्फेयर को कूल करने में योगदान करते हैं अपना। नेक्स्ट मेथड है मेरिन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें क्या होता है, देखो जो समुद्र है ओशियन, उसमें साल्ट होता है, आपको पता है नमकीन पानी होता है और साल्ट होता है उसमें। वो साल्ट क्या करता है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे ही सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे आपको पता है ओशियन में मॉइस्चर है, पानी बहुत है, मॉइस्चर की कमी नहीं है। तो ये लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है तो अपने पास मतलब अपने साथ ये लेके जाती है मॉइस्चर, और फिर बादल बनना शुरू हो जाते हैं। और जब यहाँ पे बादल बनते हैं तो फिर ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, मैरिन क्लाउड ब्राइटनिंग, यानी कि मैरिन एरियाज के ऊपर, ओशन के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन का बनना। ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बादल बनेंगे तो सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी और अर्थ कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अन्नापूर्ति। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे आप एसए के टॉपिक में एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी का कोई टॉपिक आता है तो, या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जीएस पेपर 3 में कोई टॉपिक आता है, 2 में आता है, वहाँ पे आप लिख सकते हो। क्या है ये अन्नापूर्ति, ये ग्रेन एटीएम है। एटीएम है मतलब कुछ देता है। क्या देता है, ग्रेन मतलब अनाज देता है ये। किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ही एक पार्ट है जो इंडिया के लिए है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया इसने बनाया है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा देखो क्लीन और फास्ट प्रिसाइज कॉमोडिटीज। कौन कौन सी कॉमोडिटीज, राइस, वीट और ग्रेन। जैसे देखो पीडीएस सिस्टम है हमारे इंडिया का, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग, उनको राशन देती है सरकार। जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, या 1 रुपये किलो दाल, या कुछ भी ऐसे देती है, कुछ भी देती है, प्रोवाइड करती है मंथली गरीब लोगों को। लेकिन इसमें बहुत सारे ना लीकेज होते हैं। जैसे मान लो हर एक आदमी को 5 किलो देना है तो उसमें गड़बड़ी कर देते हैं, वो आते हैं राशन देने के लिए जो फूड सप्लाई ऑफिसर होते हैं। मान लो 5 किलो की जगह 4.5 किलो या 4.5 किलो दे दिया और पता भी नहीं चलता लोगों को। या फिर मान लो वेस्टेज हो गया बहुत सारा अनाज। ये सब जो परेशानी होती है इनको दूर करेगा एक ग्रेन एटीएम। क्या होगा इसमें, इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। कोई भी आदमी अपना बायोमेट्रिक यहाँ पे लगाएगा, इस मशीन पे अंगूठा लगाएगा, और उसे जितना राशन लेना वो भरेगा, और राशन जितने मतलब जितने उसके लिए है वो डालेगा, और वो राशन यहाँ से आ जाएगा पैकेट की फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा कभी मेट्रो में या बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं, उसमें होते हैं ना छोटे छोटे कियोस्क होते हैं। कियोस्क, कियोस्क बोलते हैं छोटी सी दुकान हो गई, वो ऑटोमेटिक कियोस्क होते हैं। उसमें आपने मान लो 10 रुपये डाले, और 10 रुपये डाले तो आपने मान लो बिस्कुट लेना है, कुछ लेना है,
तो वो आप क्लिक करोगे उस मशीन पे तो बिस्किट बाहर आ जाएगा निकल के, कोई आदमी नहीं होता, मशीन ऑटोमेटिक काम कर रही है। तो इसी तरह से ये ग्रेन एटीएम होंगे जिसका नाम होगा अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति तो क्या काम करेंगे ये, हमने जान लिया 24x7 मतलब 24 घंटे काम करेंगे ये। जितना भी मंथली जो ग्रेन दिया जाता है लोगों को वो इसमें दिया जाएगा, तो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करेंगे। और अन्नापूर्ति देखो ये जो क्वालिटी का जो ग्रेन होता है उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, डिस्पेंस करेंगे वीट राइस मिलेट वगैरह को, बेनिफिशियरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा आसानी से ले सकेंगे, और इससे वेस्टेज बचेगी, और जो शॉर्ट वेइंग होती है कम दे दिया जाता है अनाज लोगों को, उससे भी इसमें मतलब ऐसी परेशानियों से उसमें जो नुकसान होता है इन परेशानियों से वो ख़त्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम उद्योग विकास योजना। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 के लिए। देखो दिल्ली ने, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने अभी हनी बी बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और टूल किट। हनी बी बॉक्स का मतलब छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिनमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है और शहद बनाया जाता है, ऐसे डिब्बे दिए हैं 130 लोगों को इस स्कीम के अंदर, ग्राम उद्योग विकास योजना के अंदर। और ये किसकी है, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन की योजना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन क्या है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था। पार्लियामेंट ने 1956 में एक्ट बना के इसको बनाया था, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये काम करती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। इसका ही ये योजना है ग्राम उद्योग विकास योजना, इसके अंदर ये हनी बी बॉक्स बांटे हैं। तो ये जो योजना है इसके दो कंपोनेंट हैं, खादी ग्राम उद्योग विकास योजना, इसके दो कंपोनेंट हैं जो टारगेट करते हैं कि कॉमन फैसिलिटीज़ हो विलेज एरियाज़ में, विलेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन किया जाए, और विलेज एरियाज़ में ट्रेनिंग दी जाए ताकि विलेज एरियाज़ का डेवलपमेंट किया जा सके, और वहाँ पे लोगों के लिए जो जीवन यापन के लिए अर्निंग लाइवलीहुड के ऑप्शन क्रिएट किए जा सकें। ये डिफरेंट विलेज इंडस्ट्रीज आती हैं इसके अंडर और डिफरेंट एक्टिविटी की जाती हैं इसमें। इस योजना के तीन कंपोनेंट है, पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। देखो विलेज एरियाज़ में कौन कौन से नए प्रोडक्ट का मतलब लाया जा सकता है, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट की जाती है इस योजना के अंदर। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पे स्किल प्रोवाइड की जाती है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल दी जाती है लोगों को विलेज एरियाज़ में ताकि वो छोटे विलेज इंडस्ट्रीज़ चला सकें, छोटे उद्योग चला सकें विलेज एरियाज़ पे। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी। इस योजना के अंदर जब प्रोडक्ट बन जाता तो उसके लिए मार्केटिंग भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केटिंग नहीं होगी तो बेच कैसे पाएंगे, तो मार्केटिंग और पब्लिसिटी पे भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए, 2 के लिए नहीं 3 के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखो रिसेंटली ये जारी की है रिपोर्ट, पब्लिश की है। कौन पब्लिश करता है इसको, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, ये करता है इसको पब्लिश। इसमें इंडिया ने सबसे अच्छी रैंक हासिल की है, क्योंकि इसमें रैंकिंग किसके आधार पर दी जाती है, FDI के आधार पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं हिंदी में इसको, मतलब विदेशों से कोई कंपनी आती है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है हमारे इंडिया में, तो उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI आया है, कितना, 10%। फिर आया है सेकंड नंबर पे चाइना, चाइना सेकंड नंबर पे, और इंक्रीज भी हुआ है चाइना में 5% पिछले साल से। और देखो आसियान कंट्रीज भी सेकंड नंबर पे हैं, अगर ग्रुप को देखें, कंट्री को देखें तो चाइना सेकंड नंबर पे, और वैसे आसियान भी है, आसियान क्योंकि कंट्री नहीं है ये ग्रुप है, 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ये आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो फर्स्ट पे इंडिया, सेकंड पे चाइना। FDI जो इनफ्लो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा आया है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बजाय, जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे US, UK, इन कंट्रीज़ में कम है, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को हिंदी में, इनमें ज़्यादा आया है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जिनमें घटा है, जैसे गल्फ़ रीजन है, जो पर्शियन गल्फ़ है, ये आप रीजन देख रहे हो,
यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ है, इस एरियाज के आसपास के जो कंट्री हैं जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, यूएई, ईरान, इन कंट्रीज़ में एफडीआई घटा है, डिक्लाइन हुआ है। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनमें भी घटा है। जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं, स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें भी एफडीआई घटा है। ज़्यादा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस में हुई है? देखो, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, जो विकसित देश हैं, उनमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ी है। और देखो, इन्वेस्टमेंट गैप भी बढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए। इन्वेस्टमेंट गैप का मतलब देखो, 2015 में ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर था, मतलब जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए मनी चाहिए थी, उससे 2.5 ट्रिलियन डॉलर कम था। लेकिन ये बढ़ के अब कितना हो गया है, 4 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर। ये इतना गैप हो गया है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें हासिल करने, तो हमारे पास अभी पर ईयर इतने की कमी है, इतना कम खर्च कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड, 4 ट्रिलियन डॉलर। जो टारगेट गैप्स है, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें भी मतलब लार्जेस्ट गैप इनमें दिखाई दिया है कि एनर्जी के सेक्टर में कम मनी खर्च की जा रही है, वाटर रिसोर्सेज के लिए कम, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम मनी खर्च की जा रही है। अब जान लेते हैं अंकटाड के बारे में, जो ये रिपोर्ट जारी करता है। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर इन्वेस्टमेंट बॉडी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। किसने बनाई थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1964 में इसको बनाया था। ये देखो, डेवलपमेंट इश्यूज हैं जो उनके लिए काम करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, और ये पॉलिसी वगैरह बनाती है जिससे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट आए, इसके लिए पॉलिसी बनाती है ये अंकटाड। ये देखो, ऑर्डिनली 4 साल में एक बार मिलती है, साधारण रूप से 4 साल में एक बार मिलती है। इसकी जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड मीटिंग हुई थी अंकटाड की, वो न्यू दिल्ली में हुई थी 1968 में। अभी इसके 195 मेंबर हैं, 195 जो कंट्रीज हैं इसके सदस्य हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखो, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के साथ साथ और भी कई सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, कॉमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी जारी करती है अंकटाड। नेक्स्ट टॉपिक है अम्बर ग्रीस। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, अब फिर दोबारा ये न्यूज़ में है। क्या है अम्बर ग्रीस? रिसेंटली न्यूज में क्यों है? ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ। अभी देखो, 9.5 किलो, 9.5 किलोग्राम अम्बर ग्रीस मिला है। कहाँ पे? कनारी आइलैंड में। कहाँ पे है कनारी आइलैंड? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे आ जाओ, यूरोप में। ये आप स्पेन देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये स्पेन के आइलैंड है, कनारी आइलैंड। यहाँ पे एक वेल मरी हुई मिली, स्पैम वेल। वेल क्या होती है? ये देख रहे हो आप, ये वेल, ये है वेल, ये एक्वाटिक मैमल है। एक्वाटिक का मतलब पानी में पाए जाना, मैमल, मैमल मतलब स्तनपाई जीव, ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। कुछ ऐसे होते हैं अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं, जैसे मुर्गी, और जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं मैमल, स्तनपाई जीव। जैसे आदमी भी एक मैमल है, लेकिन ये लैंड पर रहता है आदमी, पानी में नहीं रहता, ये एक्वाटिक मैमल है। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोर रहता है ये अम्बरग्रीस। और अम्बरग्रीस का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन कलर का, ये है अम्बरग्रीस। ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, और ये उल्टियाँ करती है ना, जब वेल उल्टियाँ करती है तो ये निकलता है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही इसकी डिमांड है, और बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू रहती है अम्बरग्रीस की। तो जान लेते हैं इसके बारे में, अम्बरग्रीस के बारे में। तो हमने जैसा जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, मोम की तरह होता है ये। इसकी हाई वैल्यू होती है, लाइट येलोइश सब्सटेंस है ये। इसमें एल्कलॉइड होते हैं, एसिड होते हैं, और अम्बरीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल के तरह ही होता है, एम्बरीन सब्सटेंस जो होता है इसमें। ये बहुत ही रेयर सब्सटेंस है, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड होती है, और ज़्यादा प्राइस मिलता है इसका। इसके यूज कहाँ पे होते हैं? परफ्यूम में यूज होता है इसका, परफ्यूम बनाने में। और इसके देखो, कई सारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनको फ्लेवर देने के लिए, स्वाद देने के लिए ये यूज किया जाता है अम्बरग्रीस। या एल्कोहल बेवरेजेज, जो शराब होती हैं, उनमें भी यूज किया जाता है इसका, या टबैको में भी यूज किया जाता है इसको फ्लेवर देने के लिए इनको। नेक्स्ट टॉपिक है मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या एसए के टॉपिक में यूज कर सकते हो। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, या
ट्राइबल से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है मो जंगल जामी योजना स्कीम। क्या है ये? इसमें देखो जो 2006 का एक्ट बना हुआ है जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये योजना लॉन्च किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखो जो फॉरेस्ट राइट हैं लोगों को वो मिलेंगे। देखो बहुत सारे लोग क्या हैं, जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं और जंगलों में रहते हैं, वो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 2006 में ये एक्ट बनाया था और इस एक्ट को सही तरीके से अभी बहुत ही कम एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये योजना बनाई है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। क्या क्या दिया जाएगा? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, जो ग्रुप में लोग रहते हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा की जाएगी और जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनकी भी रक्षा की जाएगी। उन्हें देखो जंगलों से निकाला जाता है तो उनको भूमि दी जाएगी जिस पे अपना जीवन यापन कर सकें, और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में लिखा हुआ है। और कोई फॉरेस्ट कन्वर्जन हो चुका है उसको सर्वे किया जाएगा और वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा। मान लो कहीं से फॉरेस्ट काट दिए तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो एक तरह से ट्राइबल एरियाज़ में शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं या फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन है जो जंगलों में रहती है पॉपुलेशन, उसके लिए लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी दी जाएगी इस योजना के अंदर और फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फो केमिकल्स। इन्फो केमिकल्स क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपने देखा होगा चींटियाँ जब चलती हैं, चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं, लेकिन चींटी जो होती हैं, आंट की बात कर रहे हैं हम, एंटी आंट चींटी जो होती है, तो चींटी जब चलती है तो एक लाइन में चलती है, आपने देखा होगा एक के पीछे सीधी लाइन में चल रही है, बिल्कुल कहीं पे भी जा रही है, पहली चींटी मुड़ेगी इस तरफ तो सारी चींटी इस तरफ मुड़ जाएंगी। अब ये कैसे चलती हैं? इनकी आंखें तो होती नहीं है, चींटियों की भाई साहब आंखें नहीं होती, तो कैसे चलती हैं? जो चींटी होती है ना, एक केमिकल रिलीज करती हैं, एक केमिकल निकालती हैं और वो केमिकल की सुगंध सूंघ के ये चींटी एक के पीछे एक चलती रहती हैं। अब ये केमिकल क्या है? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो ये केमिकल है क्या कर रहा है? केमिकल जो रसायन निकाल रही है चींटी, ये केमिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा, सूचना दे रहा है किसको? जो पीछे इसके चींटी आ रही है। तो ये केमिकल क्या हो गया? इन्फो केमिकल हो गया, मतलब ऐसा केमिकल जो इन्फॉर्मेशन देता है, उसी को बोल देते हैं इन्फो केमिकल। तो ये जो इन्फो केमिकल्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो गए हैं एनिमल्स में, यही इसमें बताया गया इस आर्टिकल में। तो ये केमिकल सिग्नल होते हैं, इन्फो केमिकल जो सिग्नल देते हैं ऑर्गेनिज्म को और इकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ इसकी वजह से ये केमिकल, जो इन्फो केमिकल है, ये प्रभावित हुए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे वार्मिंग टेम्परेचर हुआ है, इसकी वजह से जो फेरोमोन्स है वो कम हो गया है। फेरोमोन्स ये केमिकल है जो चींटियाँ रिलीज करती हैं, जो आंट हैं वो चींटी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से चींटी एक के पीछे एक चलती हैं। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से चींटियों में जो फेरोमोन्स केमिकल है वो बनना कम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम रिलीज कर पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है चींटियों को एक के पीछे एक चलने में। दूसरा है CO2 लेवल। CO2 लेवल भी अफेक्ट हुआ है। देखो वाटर में जो फ्लीज हैं, मतलब वाटर में देखो जो ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको भी CO2 से देखो अपनी एबिलिटी वो दिखा पाते हैं, और उनकी एबिलिटी जो है कि अपने प्रीडेटर को रिकॉग्नाइज करने की, जो वाटर में कीड़े होते हैं दूसरे कीड़ों को खाते हैं, अब CO2 की वजह से वो दूसरों को पकड़ पाते हैं। अब CO2 का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, जो इंक्रीज होता जा रहा है वाटर में, इसकी वजह से उनकी एबिलिटी भी कम हो रही है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। देखो जो इंट्रैक्शन होता है इंटायर इकोसिस्टम में, उसको भी अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ भी नई नई निकल के आ रही हैं, बहुत सारे पैथोजन हैं जो डिसीज़ फैलाते हैं फॉरेस्ट एरिया से निकल के आ रहे हैं, और कई सारी डिसीज़ इतनी भी, मतलब इतनी ज़्यादा हानिकारक हैं, घातक हैं, कि जिनकी वजह से पूरा वर्ल्ड भी प्रभावित हो सकता है, ऐसी डिसीज़ निकल के आ रही हैं। तो यही था इसके बारे में। अगर मान लो इसको समझेंगे साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्चर वगैरह, तो इससे क्लाइमेट चेंज से किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, और इस इफेक्ट को जो पड़ रहा है जंगलों पे, इकोलॉजिकल बैलेंस जो बिगड़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे मिटिगेट किया जाए, मिटिगेट मतलब रिड्यूस, कैसे कम किया जाए, तो ये समझने में सहायता मिलेगी रिसर्चर को। नेक्स्ट टॉपिक है प्ली टू मेक
शेड्यूल कास्ट स्टेटस रीजनल रिलीजन न्यूट्रल, रीजन नहीं रिलीजन न्यूट्रल, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर टू। देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है अभी रिलीजन के आधार पे दिया जाता है, रिलीजन के आधार पे यानी कि धर्म के आधार पे। देखो जो हिंदू है, सिख है, हिंदू है, सिख है और बुद्धिस्ट है, केवल तीन धर्म के लोगों को ही एससी का स्टेटस दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट में डाला जाता है, अनुसूचित जाति बोलते हैं हिंदी में। बाकी के धर्म के लोगों को एससी का स्टेटस नहीं दिया जाता, उन्हें या तो ओबीसी का दिया जाएगा या जनरल का दिया जाएगा। तो ये अभी क्या है, किस पे बेस्ड है, धर्म के आधार पे बेस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट में यही डाली है पिटीशन कि ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिटी एससी की आइडेंटिटी दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को लेगा, आगे क्या देखेगा, जवाब देगा, तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो जो ये पिटीशन डाली है किसके विरोध में डाली है, एक कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950 का, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया था 1950 में, आर्टिकल 341 क्लाउज 1 के अंदर। इसमें ये था कि जो मान लो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के गवर्नर या यूटी है, तो यूटी के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर है, उससे कंसल्ट करके शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट जारी कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में है कौन सी नहीं है। आर्टिकल 341 क्लाउज 1 के अंदर ये किसको पावर है, प्रेसिडेंट को कर सकता है नोटिफाई, और फिर बाद में पार्लियामेंट उसे लिस्ट से इंक्लूड कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है एससी एसटी कैटेगरी को लिस्ट से। और ये एससी के लिए है आर्टिकल 341 क्लाउज 1, और एसटी के लिए मतलब अलग है, ये है किसके लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये 1950 का जो ऑर्डर था इसके अगेंस्ट डाली है पिटीशन, क्यों, ये कहता है कि हिंदू सिख और बुद्धिस्ट हैं केवल उनको ही एससी का स्टेटस दिया जा सकता है और दूसरे किसी रिलीजन को नहीं, सिर्फ तीन रिलीजन के लोगों को दिया जा सकता है एससी का स्टेटस। तो क्योंकि ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 341 क्लाउज 1, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इन क्रिश्चियन या मुस्लिम या किसी और धर्म के लोगों को एससी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, या ये भी नहीं लिखा हुआ कि केवल इन तीन धर्म के लोगों को एससी का स्टेटस दिया जा सकता है। तो इस वजह से ये पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के लिए। इससे पहले देखो एक 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आई थी, इसने रिकमेंडेशन दिया था कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है वो क्रिश्चियन यानी कि ईसाई और मुस्लिम धर्म के लिए भी दी जाए, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी, नहीं दी थी, केवल तीन धर्म के लोगों को ही जारी रखी थी, कौन कौन से, हिंदू सिख और बुद्धिस्ट। अब देखो 2022 में नया कमीशन बैठाया है, ये है के और लगा लो इसमें, के जी बालाकृष्णन कमीशन है, के जी बालाकृष्णन कमीशन बैठा है, ये अपनी रिपोर्ट देगा इसके आधार पे कि हिंदू बुद्धिज्म सिखिज्म को दिया जाता जो एससी का स्टेटस, इसके अलावा किसी और धर्म के लोगों को दिया जाए या नहीं दिया जाए, फिर ये रिकमेंडेशन देगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी वो आगे देखेंगे। तो ये था सारा मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी होल, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली, ग्रेविटी होल रिसेंटली न्यूज में है, ये रिसेंटली एक स्टडी बताती है, सजेस्ट करती है कि जो कोलोसल या मिस्टीरियस ग्रेविटी होल होते हैं इंडियन ओशन में है, जो कोलोसल का मतलब बहुत बड़ा, लार्ज, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, रहस्यमयी, तो ये कोलोसल या मिस्टीरियस ग्रेविटी होल है इंडियन ओशन में, इसके अवशेष है ना, जो इसके अवशेष वो क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले डिसअपियर हो जो हुए थे कुछ मूमेंट उनसे ही बचे हैं। देखो लाखों साल पहले कुछ मूमेंट हुए थे अर्थ पे, उनके वजह से ग्रेविटी होल हुए थे। तो क्या है, पहले हम ये जानते हैं ग्रेविटी होल। देखो ग्रेविटी होल क्या है, आपको पता है अर्थ है, अर्थ पे चाहे कहीं पानी है या कहीं पे लैंड भूमि है, अर्थ की एक ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं जिसे हिंदी में, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। कोई भी चीज़ मान लो ऊपर फेंकोगे आप, बॉल फेंकोगे ऊपर, तो नीचे आके गिर जाएगी, वो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती, उसका कारण है अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की जो एक फोर्स है वो उसको अपने तरफ खींच लेती है। लेकिन ये अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, अर्थ के हर एक रीजन पे सेम नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, और कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे है ही नहीं, है तो बहुत ही कम, ना के बराबर है, बहुत ही कम है, जहाँ पे बहुत ही कम है उस एरिया को बोलते हैं हम ग्रेविटी होल। तो ये लार्ज ग्रेविटी होल हैं जो, ये कहाँ पे हैं, ये देखो इंडियन ओशन में है, ऐसे इंडियन ओशन में जहाँ पे जो ग्रेविटी है वो कम है। इंडियन ओशन में कहाँ पे है ये, इंडियन ओशन में देखो ये है
साउथ वेस्ट ओशन में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आगे हम। और ये जो ग्रेविटी होल्स बनते हैं किस वजह से बनते हैं, और देखो इनका कारण क्या है, इनका कारण ये है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या मास डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन है कहीं कहीं पे, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रभावित करता है, उनकी वजह से ग्रेविटेशनल होल बनते हैं। ये फिनोमेना जो बना है इंडियन ओशन में, जो ग्रेविटी होल है वो लगभग 20 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 2 करोड़ साल पहले ये फिनोमेना हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन ओशन में ग्रेविटी होल बने थे। कैसे बने थे जानते हैं, अभी देखो इंडियन ओशन है जो, इंडियन ओशन का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट और साउथ वेस्ट इंडिया के पास, जैसे मान लो ये इंडियन ओशन है आपका, देखो यहाँ पे ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट, ये वाला, इस वाले पार्ट के पास ये ग्रेविटी होल हैं। ये ग्रेविटी होल क्या हैं, किस वजह से बने हैं, ये 2 करोड़ साल पहले एक मूवमेंट हुआ था जिसकी वजह से बने हैं। और इंडियन ओशन में जो ये ग्रेविटी होल है लगभग 1200 किलोमीटर का है ये, और इसका एरिया काफ़ी है, और जो एरिया का एरिया है ओशन में उससे नीचे भी है, लगभग 106 मीटर नीचे तक ये है एरिया जो बना हुआ है, और जो 106 मीटर तक ये नीचे बना हुआ है होल एक तरह से, ये क्या है, जैसे मान लो ये इंडियन ओशन है यहाँ पे, लेकिन एक एरिया ऐसा है, मान लो ये एरिया नीचे धंसा हुआ है इस तरह से, कितना, 106 मीटर, 106 मीटर ये धंसा हुआ है नीचे, लगभग 1200 किलोमीटर एरिया। अब ये एरिया जो धंसा हुआ है नीचे की तरफ घुसा हुआ है, इस एरिया को बोलते हैं इंडियन ओशियन जियोड लो। ये 1948 में डिस्कवर किया गया था इंडियन ओशियन में, तो इंडियन ओशियन जियोड लो किसे बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और ग्रेविटी होल क्या ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इंडियन ओशियन जियोड लो है, ये जो डिप्रेशन लगभग 2 मिलियन स्क्वेयर माइल्स में फैला हुआ है, एरिया बता रहे हैं इसका, और लगभग 600 माइल्स बीनीथ द अर्थ क्रस्ट है। ये देखो जैसे जैसे मान लो ये 600 माइल्स अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट या भूपरपट्टी। ओशन में ये देखो अर्थ के जो ओशन का सरफेस है उसके ऊपर भी और इसके नीचे भी लगभग 600 माइल्स लंबा चौड़ा एरिया है जो अर्थ क्रस्ट में, ओशन में, इंडियन ओशन में फैला हुआ है, उस एरिया को बोलते हैं इंडियन ओशन जियोड लो, जो थोड़ा डिप्रेस्ड है, नीचे धंसा हुआ है। तो ये स्टडी जो की गई है इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि इसका रिलेशन जानना कि किस वजह से बना था। तो स्टडी में ये पाया गया कि ये टैथिस ओशन जो बना था उसकी वजह से बना था। और टैथिस ओशन कैसे बना था, ये देखो टैथिस सी है, ये जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पे एक जगह रुकी हुई है, और इंडियन प्लेट नॉर्थ की साइड मूवमेंट कर रही है। देखो प्लेट को बांटा हुआ, मतलब इंडियन इंडियन ओशन नहीं, पूरी अर्थ है ज्योग्राफर ने प्लेट्स में बांटा हुआ है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या ओशन प्लेट्स या पार्टली कॉन्टिनेंटल या पार्टली ओशन, इन प्लेट्स के बारे में जानने के लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो डिटेल में। तो ये इंडियन ओशन जो प्लेट है ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है, अब इसकी वजह से ये यूरोपियन प्लेट से टकराई, यहाँ पे हिमालयन एरिया, यहाँ पे टैथिस ओशन बन गया। अब ये अभी तो यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ सरकता चला गया, मूवमेंट होती चलेगी, लेकिन जो यहाँ पे ये बना है ये टैथिस ओशन का ही पार्ट है, ये वाला पार्ट आगे चला गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे रह गया। तो ये जो पार्ट है टैथिस ओशन की वजह से ही बना था यहाँ पे, जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट और लोरेशिया या लोरेंसिया सुपर कॉन्टिनेंट थे वो आपस में टकराए थे। क्योंकि देखो पहले जब ये एक कॉन्टिनेंट था, आपने अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, जिसने कहा था ये पूरा जो अर्थ है ये इतने कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, पहले एक कॉन्टिनेंट था ये, जिसका नाम दिया था पेंजिया, पेंजिया एक कॉन्टिनेंट था ये, करोड़ों साल पहले ये पेंजिया टूट गया फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, टाइडल फोर्स की वजह से ये टूट गया, टूट के 2 टुकड़ों में बट गया, एक बन गया ऊपर वाला पार्ट लॉरेंसिया कॉन्टिनेंट, और दूसरा इधर वाला पार्ट बन गया गोंडवाना, तो इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। तो गोंडवाना लॉरेंसिया टकराए आपस में, तो ये बना जियोड लो, इंडियन ओशन जियोड लो बना इसकी वजह से। और इसकी वजह से अफ्रीका में भी देखो अफ्रीकन लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोविंस बनी थी इसकी वजह से, जो इंडियन ओशन में ऊपर यानी कि बीनीथ द सरफेस है, बीनीथ द सरफेस का मतलब होता है सरफेस के थोड़ा ऊपर भी और नीचे भी अंदर। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं। एक देखो सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, सोहागी
बरवा या बारवा हो सकती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, सुहागी बारवा। कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्यजीव अभयारण्य, ये यूपी की मेहरगंज डिस्ट्रिक्ट में है, महाराजगंज, सॉरी मेहर नहीं, महाराजगंज, महाराजगंज, यूपी की महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है सुहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक देखो डिसीज है जो अभी न्यूज में थी, शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीआर, पीपीआर क्या फुल फॉर्म है इसकी, पेस्टे, PESTE, पेस्टे डेस पेटिट्स, पेटिट्स रूमिनेंट, रूमी RUMINANTS, रूमिनेंट्स। तो ये पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स PPR, ये एक वायरल डिसीज है जो सिप और गोट्स को होती है, भेड़ और बकरी को होती है जनरली, ह्यूमन को प्रभावित नहीं करती, याद रखना, लोगों में नहीं होती है, ह्यूमन में, ये पशुओं को प्रभावित करती है, मेनली सिप और गोट्स को। जिस वायरस से होती है उसका नाम है पैरामाइक्सो विरिडा एंड जीनस मोरबी, मोरबिली वायरस। तो ये वायरस से होती है, बस इतना याद रखो, आपको ये वायरस का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक वायरल डिसीज़ है जो पशुओं को होती है और मेनली सीप और गोट को। तो यही थे आज के टॉपिक।